खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 45 के सोम बाजार में लगे मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झूले से तीन लोग अचानक से नीचे गिर गए और उनमें से एक महिला की मौत हो गई है। पूरा मामला क्या है देखिए। मेला पहुंचे उस परिवार को कहां पता था कि उनकी ये खुशी जल्द ही मातम में बदल जाएगी। मामला नोएडा के सेक्टर 45 का है, जहां हर बार की तरह इस बार भी सोम बाजार का मेला लगा था और मेले में पहुंची भीड़ ठेले पर लगे चाट पताशे से लेकर आसमान छूते झूले का आनंद ले रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई और हंसी की जगह लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। दरअसल मेले में लगे झूले का एक डिब्बा अचानक से खुलकर हवा में लटक गया, जिसके बाद उस डिब्बे में बैठे तीन लोग जो एक ही परिवार के थे आनन फानन में नीचे उतरने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान तीनों झूले से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सारे झूलों को बंद करा दिया, साथ ही झूला के संचालक और मेले की आयोजक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थाना सेक्टर 39 के अंतर्गत सेक्टर 44 में एक सोम बाजार में एक मेले का आयोजन हो रहा था। मेले के दौरान एक झूले में उतरते समय गिरने से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई और एक बच्चे को भी थोड़ी चोट आई। तुरंत ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो महिला है जिनका नाम उषा है और 55 वर्ष है, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तहरीर लेकर स्वतंत्र धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और मेले का आयोजक और झूले का आयोजक दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है। खैर, महिला की मौत लापरवाही से हुई या फिर ये एक हादसा था, ये तो अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।